हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि पंडित बिरजू महाराज जो है वो अपने पोतों के साथ अपने घर पर खेल रहे थे और अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई, वो बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। हमें ये जानकारी भी मिली है कि पंडित बिरजू महाराज जो है उन्हें किडनी की समस्या थी पहले से, तो इस वजह से स्थिति और बिगड़ती चली गई उनकी और उनका निधन हो गया दिल्ली के साकेत अस्पताल में। एक बहुत ही महान और बहुत ही लेजेंडरी कथक डांसर के तौर पर उनकी पहचान थी। 83 साल के थे वो, 83 साल के थे वो, और हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया है। उनके निधन के बाद देश भर से श्रद्धांजलियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। कई बड़ी हस्तियां अब सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं। निश्चित ही ये एक बहुत बड़े युग का अंत है। बहुत ही महान कथक नर्तक के तौर पर वो जाने जाते थे। उन्हें गायकी में भी काफी रुचि थी। वो कुछ जो वाद्य हैं जैसे कि ड्रम्स, वो बहुत अच्छे से बजा लेते थे। उन्होंने उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया था, कालिदास सम्मान से उन्हें नवाजा गया था। ऐसे कई बड़े बड़े सम्मान जो है, पुरस्कार जो है, उनसे नवाजा गया था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पंडित बिरजू महाराज का को सम्मानित करना यानी खुद उन पुरस्कारों का सम्मान है जो पुरस्कार उन्हें दिए जाते हैं। इतनी बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल। रवि जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि अंतिम संस्कार के बारे में अभी तक कुछ जाना गया है? अभी अंतिम संस्कार के बारे में ये जानकारी नहीं आई है। उनके जो पोते हैं स्वरांश मिश्रा, उन्हें हमने लगातार फोन करने की कोशिश की, उनसे बातचीत करने की, लेकिन उनका फोन लगातार व्यस्त आ रहा है, तो अभी अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी नहीं है। स्वरांश मिश्रा ने ही सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी साझा की थी दुनिया के साथ कि अब उनके जो दादा हैं उनकी मौत हो गई है, अचानक से वो नहीं रहे हैं। उन्होंने ही ये जानकारी सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए दी थी। अगर पंडित बिरजू महाराज के बारे में और बात की जाए तो मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी कई फिल्मों में, उन्होंने कई नहीं कहना चाहिए, बहुत चुनिंदा फिल्मों में कथक से संबंधित जो कोरियोग्राफी थी उसका जलवा दिखाया था। कुछ जैसे कि कुछ फिल्म, अगर फिल्मों के नाम लीजिए, एक फिल्म थी देवदास, दूसरी थी डेढ़ इश्किया, उमराव जान बहुत ही लोकप्रिय फिल्म रही है, बाजीराव मस्तानी में भी उन्होंने एक गाने को कोरियोग्राफ किया था, और सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उन्होंने संगीत भी दिया था। बहुत ही बड़ी हस्ती थे और बहुत उन्हें मिस किया जाएगा। एक उनकी जो कमी है, जो जगह अब खाली हो गई है, उसे शायद ही भरा जा सके। इतनी बड़ी हस्ती थे वो, और उन्हें कई तरह के और भी सम्मान मिले थे, जैसे कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी गई थी। अब लगातार जो है श्रद्धांजलियों का सिलसिला जारी है, बड़ी बड़ी हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं, और सब यही कह रहे हैं कि इतनी बड़ी हस्ती का यूं चले जाना बहुत ही उदास कर गया उन्हें, बहुत ही गमगीन कर गया उन्हें। बहुत शुक्रिया रवि जी।